अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मिस्टर फोन चैनल। भाई आज हमारे पास इस वक्त पाकिस्तानी मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा हॉट सेलिंग फोन्स हैं। दिस इज़ इन्फिनिक्स GT20 प्रो एंड दिस इज़ ब्यूटीफुल रियलमी C65 और यहाँ पर आप सबका फेवरेट ब्रांड वीवो Y28। आज हम इन तीनों फ़ोन्स का कैमरा टेस्ट करने वाले हैं और आपको बताते हैं कि इन में से बेटर ऑप्शन कौन सा है। यहाँ पर दो फोन्स ऐसे हैं जो कि प्राइस में बिल्कुल सेम हैं, कैमरा में भी सेम है, बट हम उनके लेंस क्वालिटी को चेक करेंगे कि एक्चुअल में परफॉर्मेंस किसकी अच्छी है। और एक फ़ोन ऐसा है जो कि ब्लॉकबस्टर है, एक्स्ट्रा एडिटिव फीचर के साथ आता है। इनका दोनों का कंपैरिजन करते हैं विच वन इज़ अ बेटर चॉइस। इससे पहले कि हम कैमरा टेस्ट की जाने बढ़े, मैं आपको इन तीनों फोन की प्राइस बताते चलता हूँ कि इन्फिनिक्स GT20 प्रो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर 99,000 की प्राइस रेंज के अंदर लॉन्च हुआ है, जबकि रियलमी C65 49,000 की प्राइस में मिलता है और वीवो Y28 भी सेम प्राइस पे 49,000 की प्राइस में आपको देखने को मिलता है। कैमरा स्पेक्स की बात करूं तो हमारे पास GT20 प्रो 108 मेगापिक्सल कैमरा के साथ आता है और इसके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे फीचर देखने को मिलते थे। OIS भी इसके अंदर है, PDF भी है और इसका जो फ्रंट कैम है वो भी काफ़ी हैवी है, 32 मेगापिक्सल के साथ है और 4K रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है ये वाला फ़ोन। जबकि अगर मैं बात करूँ रियलमी C65 की तो ये हमारे पास 50 मेगापिक्सल कैम के साथ आता है। इसके अलावा हमें OIS देखने को नहीं मिलता है, PDAF सपोर्टेड है। इसके अलावा इसके अंदर हमें एक फोकल लेंथ के लिए एक छोटा लेंस 2 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। फ्रंट कैम की बात करूं तो दिस कम्स विद 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैम। सिमिलरली वीवो Y28 की बात करूँ तो बिल्कुल सेम कैमरा है एज द रियलमी C65। इसके अंदर भी हमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैम देखने को मिलता है, साथ में PDAF है और 2 मेगापिक्सल का हमें डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। और फ्रंट कैम की बात करूं तो फ्रंट में भी 8 मेगापिक्सल देखने को मिलता है। रिकॉर्डिंग की बात करूं तो ये वाले दोनों फ़ोन्स फुल HD रिकॉर्डिंग करते हैं 30 फ्रेम रेट के ऊपर। इसके अलावा इन दोनों फ़ोन्स के अंदर कोई एक्स्ट्रा हमें कैमरा की कैलिब्रेशन देखने को नहीं मिलती है, लेकिन इससे पहले हमने देखा था कि रियलमी के फ़ोन जेनेरिकली जो है वो कैमरा में आउट परफॉर्म करते हैं एज़ कम्पेयर टू वीवो एंड रेडमी। रियलमी C67 जो था वो अच्छे अच्छे फ़ोन्स को उसने डिफीट किया था। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इन दोनों में से जो कि प्राइस में सेम है, स्पेक्स में सेम है, विच वन इज़ बेटर चॉइस। कैमरा टेस्ट के बाद मैं आपको इन फ़ोन की बाकी सारी स्पेक्स के बारे में भी बताऊंगा कि ओवरऑल परफॉर्मेंस में कौन सा फ़ोन अच्छा है और आपका आपको कौन सा फ़ोन बाय करना चाहिए और मार्केट किस फ़ोन की ज़्यादा है। अगर आप इसको यूज़ में बाय करते हैं या आपने नया बाय कर लिया इसको बेचना चाहते हैं तो रीसेल किस फ़ोन की ज़्यादा है। लेकिन चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। तो गाइज़ फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेस्ट कर लेते हैं इनके कैमरा की। तो यहाँ पर मैंने तीनों फ़ोन्स की वीडियो ऑन कर ली है। इन्फिनिक्स GT20 प्रो को मैंने सेट किया है फुल HD कैमरा के ऊपर 108 30 फ्रेम रेट के ऊपर और हमारे पास जो रियलमी C65 है इसकी भी जो मैक्सिमम डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसके ऊपर ये ऑटो सेट है और वीवो Y28 भी मैक्सिमम जितनी वीडियो सपोर्ट कर सकता है उसके ऊपर इसको मैंने सेट किया है। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर नोटिस करने को मिल रही है वो है इसकी कलर टोन। तो भाई यहाँ पर आप देखो तो जो इन्फिनिक्स GT20 प्रो है इसकी जो कलर टोन है काफ़ी जेन्युइन निकल के आ रही है और यहाँ पर फाइननेस जो है वो काफ़ी अच्छी है। नीचे अगर फ्लावर्स को देखो तो बिल्कुल जेन्युइन कलर को ग्रैब कर रहा है, जबकि अगर मैं रियलमी C67 को देखूँ तो इसकी भी कलर रेंज उतनी अच्छी नहीं है, थोड़े से ब्राइट कलर नहीं है, डल कलर हैं एज़ कम्पेयर टू GT20 प्रो। आप वीडियो में देखो तो हमारे पास जो स्काई है स्काई को थोड़ा सा डार्क शो कर रहा है, डल शो कर रहा है, जबकि GT20 प्रो इसका जो जेन्युइन कलर है स्काई का, अभी मॉर्निंग है तो मॉर्निंग के अंदर स्काई का कलर काफ़ी क्लीन है, काफ़ी जेन्युइन है, उसको ये अच्छे तरीके से ग्रैब कर रहा है। और अगर यहाँ पर मैं देखूँ वीवो को तो वीवो भी कलर्स के अंदर उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा जिस तरह से हमारे पास ये वाले दोनों दो फोन परफॉर्म कर रहे हैं। इनफैक्ट जो वीवो का कलर रेंज है वो थोड़ी सी डल है एज़ कम्पेयर टू रियलमी। ये हमने पहले फ़ोन्स में भी देखा था कि रियलमी के जो फ़ोन्स होते हैं वो वीडियो के अंदर या पिक्चर्स के अंदर थोड़ी सी ब्राइटनेस ऐड करते हैं, थोड़ी सी आई गेस एक्स्ट्रा जो है वो कलर टोन ऐड करते हैं। तो यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ तो सबसे ज़्यादा जो डल कलर आ रहे हैं, डल मीन के थोड़े से डार्क कलर आ रहे हैं, वो वीवो Y28 के आ रहे हैं। फ्लावर्स को अगर आप देखो तो ग्रीन और जो येलो का कॉम्बिनेशन है उसको इतना अच्छा डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा, ब्राइट नहीं कर रहा एज़ कम्पेयर टू रियलमी और इन्फिनिक्स। तो भाई बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है बिकॉज ये 108 मेगापिक्सल के साथ है, इसके अंदर हमें PDAF भी देखने को मिलता है, OIS भी देखने को मिलता है और इसका डेप्थ सेंसर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है एज़ कम्पेयर टू
दीज मॉडल्स। तो वीडियो में अगर मैं बात करूँ तो स्टेबलाइजेशन की बात करते हैं, तो स्टेबलाइजेशन में भी अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो Infinix GT20 Pro है इसकी वीडियो काफ़ी स्टेबलाइज है, यहाँ पर मैं शेक कर रहा हूँ, लेकिन जो GT20 Pro है उसकी वीडियो के ऊपर शेकिंग इफेक्ट बहुत कम है, जबकि जो Y28 है और Realme C65 है इसकी अगर आप शेक मोमेंट को देखो तो ऑलमोस्ट दोनों इसमें सेम जा रहे हैं, कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो वीडियो के ऊपर आई गेस के यार दोनों जो फ़ोन्स हैं इनकी जो परफॉर्मेंस है क्वालिटी वाइज वीडियो की वो सेम है, लेकिन अगर मैं कलर्स की बात करूं तो मेरे हिसाब से जो Realme C65 है ये कलर रेंज ज़्यादा अच्छी शो कर रहा है एज़ कम्पेयर टू Vivo Y28, जबकि Infinix GT20 Pro ऑब्वियसली अच्छे बेहतरीन फोटोग्राफी के लिए एक बेटर कम्बिनेशन ऑफ कलर्स शो कर रहा है। तो भाई जूम की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जूम क्वालिटी की बात करते हैं, यहां पर हमारे पास जो है Vivo Y20 उसके अंदर हमें 2x जूम देखने को मिलता है, और 2x जूम के अगर यहां पर ये 1x पे रिकॉर्डिंग कर रहा है, और इसको अगर मैं 2x पे लेके जाता हूं तो हमारे पास जस्ट इतना डिफरेंस आता है इसके अंदर। 2x की जूम को मैं मैक्सिमम अगर करता जाता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास ये 1.7 है और 2x की जूम ये जा रही है। ऑफिशियली 2x सपोर्ट करता है लेकिन जूम के अंदर ये अप्रॉक्सीमेट मुझे लगता है कि 10x तक जाएगा। 10x जूम के ऊपर इसको मैं मैक्सिमम जूम के ऊपर सेट करता हूँ तो गाइस यहाँ पर ये हमारे पास 10x जूम सपोर्ट कर रहा है Vivo Y28, लेकिन भाई 10x जूम जो है वो इतना ब्लर हो चुका है और उसके अंदर इतना ज़्यादा शेकी इफ़ेक्ट आ रहा है कि बिल्कुल भी वीडियो जो है वो देखने के काबिल नहीं है। इट मीन्स अगर आप एटलीस्ट यहाँ से जो डिस्टेंस है इट्स अ लेस देन 100 मीटर डिस्टेंस, और 100 मीटर के ऊपर भी इसकी जो 10x की जूम है बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे भाई कोई किसी मूविंग स्पेस के ऊपर जो है ना वो ये ऑब्जेक्ट खड़ी हुई है और उसको वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। एंड सिमिलरली अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हमारे पास Realme की, तो लेट्स कंपेयर द Realme कि Realme की जूम क्वालिटी कैसी है। Realme 2x तक जा रहा है, 5x एंड अगेन 10x जा रहा है। 10x के ऊपर जो पिक्चर क्वालिटी है Realme की वो काफ़ी गिर गई है, लेकिन जो शेकी इफ़ेक्ट है वो थोड़ा सा कम है एज़ कम्पेयर टू द Vivo Y28। तो हम इससे अखज़ कर सकते हैं कि हमारे पास जो Realme C65 है वो जेनेरिक वीडियो के ऊपर भी थोड़ी सी स्टेबल वीडियो प्रोवाइड करेगा एज़ कम्पेयर टू Vivo Y28। वीडियोग्राफी के लिए मतलब कि इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे स्लाइटली थोड़ा सा बेटर लगा है Realme C65, जबकि यहाँ पर हमारे पास जो है Infinix GT20 Pro इसकी हम जूम करते हैं तो लेट्स सी कि इसके ऊपर हमारे पास जूम कितनी सपोर्ट होती है। इसके ऊपर भी हमारे पास 10x जूम तक जा रहा है, बट 10x के ऊपर ऑब्वियसली अच्छा ही परफॉर्म करेगा एज एक्सपेक्टेड, इट्स मच बेटर। यहाँ पर जो स्टेबिलिटी है रियली कूल, इमेज बहुत अच्छा स्टेबल है और इसके अंदर हमें कोई जो है ना वो शेकी इफेक्ट भी देखने को नहीं मिल रहा है। सो लेकिन क्वालिटी पिक्सल की बात करूं तो भाई जो 108 मेगापिक्सल था और जो इसके अंदर फीचर दिए गए थे उसके हिसाब से थोड़ा सा ये लो परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि हमारे पास जो पिक्सल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो चुके हैं। जहां पर आप अगर देखो तो भाई Vivo Y28 तो फौत ही हो गया है, बिल्कुल किसी काम की कोई जो है ना वो वीडियो नहीं आ रही है। Realme C67 फिर भी थोड़ा सा ऑब्जेक्ट शो करता है, जबकि हमारे पास जो Infinix GT20 Pro है इट्स स्लाइटली बेटर। यहाँ पर हम फोकस को चेक कर लेते हैं, फोकस अगर किया जाए तो फोकस जो है वो GT20 Pro थोड़ा सा फोकस कर रहा है, लेकिन फोकस का इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है वीडियो के ऊपर। Realme 665 की बात करूँ तो जैसे आप फोकस पे क्लिक करते हो तो इसकी पिक्चर भी ब्लर करना शुरू कर देती है, जबकि Vivo Y28 वो तो मस्ताना वार झूम रहा है, बिल्कुल मलंग बना हुआ है भाई इसका तो कैमरा, झूमे जा रहा है, बिल्कुल किसी काम की वीडियो नहीं है। तो ओवरऑल यार वीडियो के लिए रेट में करूं तो GT20 इज़ बेटर, उसके बाद Realme C65 और उसके बाद Vivo Y28। नाउ गाइस चेक करते हैं हम इनका बूके इफेक्ट के बूके लेंस में कौन सा कैमरा अच्छा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात पिक्चर लेते हैं GT20 Pro से। ओ भाई क्या कर रहे हो, क्या कमाल कर रहे हो भाई, GT20 Pro की जो पिक्चर है बहुत अच्छी आ रही है। यहाँ पर हम Realme 665 को देखते हैं तो Realme 665 का यार जो पोर्ट्रेट लेंस है अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उतना मज़ेदार नहीं है जितना हमारे पास GT20 Pro कर रहा है। और अगर मैं बात करूँ Vivo Y28 की तो Vivo Y28 का जो बूके लेंस है
ये बेटर है एज़ कम्पेयर टू रियलमी C65। जो हमारे पास वीवो Y28 है, बैकग्राउंड को काफ़ी अच्छे तरीके से ब्लर कर रहा है, ऑब्जेक्ट की जो साइड्स हैं, जो कॉर्नर्स हैं, उसको अच्छे तरीके से पिक्चर के अंदर इमर्स कर रहा है। जबकि जो हमारे पास रियलमी C65 है, इसका जो है वो बोके लेंस उस तरह से इतना इफेक्टिव नहीं है, बैकग्राउंड से थोड़ा सा नॉइज को कैप्चर कर रहा है ये एज़ कम्पेयर टू टू फोन्स। जबकि मैं बात करूं इन्फिनिक्स GT20 प्रो की, तो भाई इसका तो बोके लेंस कमाल कर रहा है, बिल्कुल DSLR वाली फील दे रहा है। और इसके अंदर हमें जो AI लेंस देखने को मिलता है, AI लेंस ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो कलर्स है ना उनको भी एडजस्ट कर रहा है, बैकग्राउंड वर्सेज फोरग्राउंड पर जो पिक्चर है दोनों ऑब्जेक्ट्स को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा है। अगर हम रियलमी 665 को देखें तो ऐसा लगता है कि जिस तरह से AI जनरेटेड पिक्चर हम करते हैं ना, कि एक फ़ोटो को जो है ना वो आर्टिफिशली साइडों से ब्लर कर रहा है, ऐसा फील होता है। जबकि जो इन्फिनिक्स GT20 प्रो है, इसका जो लेंस है दैट इज़ गिविंग अ रियल फील, हमारे पास बहुत अच्छी फील निकल के आ रही है। ग्रीनरी को भी बड़े अच्छे तरीके से जो है ना ये कैप्चर कर रहे हैं और कलर टोन को काफ़ी अच्छी लुक दे रहा है ये। सो ओवरऑल बूके लेंस में इन दोनों में से जो बैटर है दैट इज़ वीवो Y28। और लेस नॉइज़ वाली अच्छी पिक्चर लेना चाहते थे तो इस पे जो है ना दिस फोन परफॉर्म्स बेटर। ओके, तो गाइस बात करते इन तीनों फोन्स के सेल्फी कैमरा की। सेल्फी अच्छी ना हो तो मोबाइल लेने का फ़ायदा नहीं होता। तो भाई हमारे पास जो इन्फिनिक्स GT20 प्रो, इसका कैमरा है 32 मेगापिक्सल और 4K रिकॉर्डिंग करता है। काफ़ी ज़्यादा फीचर इसके अंदर ऐड किए गए हैं, AI कैमरा भी देखने को मिल जाता है और हमें डुअल कैम भी देखने को मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैंने यहाँ पर तीनों कैमरास को सेट कर लिया है 1080 पिक्सल के ऊपर, क्योंकि यार हमारे पास जो ये दोनों फ़ोन हैं, रियलमी है और वीवो है, ये मैक्सिमम जो है ना फ्रंट कैम इनका वो 8 मेगापिक्सल है और फुल HD वीडियो सपोर्ट करता है 1080 मेगापिक्सल के ऊपर। तो इसलिए मैंने जो इन्फिनिक्स है उसको भी सेम सेटिंग पर सेट किया है ताकि एक्चुअल में कंपैरिजन हो सके कि सेम सेटिंग के ऊपर किसका लेंस बेटर है। तो भाई यहाँ पर जो इन्फिनिक्स है ना वो तो कमाल कर रहा है यार, इतनी अच्छी डिसेंट और बैकग्राउंड को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा है और ब्राइटनेस को भी अच्छे से मैनेज कर रहा है और काफ़ी डिसेंट जो है ना वो वीडियो निकाल के दे रहा है। जबकि अगर मैं बात करूँ रियलमी C65 की, तो फ्रंट कैमरा थोड़ा सा पुअर है, वीडियो को डार्क कर रहा है, बैकग्राउंड पे जो कलर है उसको भी अच्छे से मैनेज नहीं कर रहा, बैकग्राउंड पे जो लाइट है उसको भी नहीं ग्रैब कर रहा, और जो बैकग्राउंड और फोरग्राउंड का जो कंपोजिशन है वो भी मैनेज करने में थोड़ा इसको डिफ़िकल्टी हो रही है। इसलिए सेल्फी में इतना बेटर जेन्युइन रिजल्ट नहीं दे रहा है एज़ कम्पेयर टू अगर मैं वीवो की बात करूं तो वीवो की सेल्फियां तो डेफिनेटली अच्छी होती हैं। वीवो का प्रॉब्लम ये है कि यार मैंने अब तक जितना भी ऑब्जर्व किया है कि वीवो के जो बैक कैमराज होते हैं वो पुअर होते हैं, जबकि वीवो फोकस करता है सेल्फी कैमराज के ऊपर। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो वीवो का फ्रंट कैम है काफ़ी बेटर परफॉर्म कर रहा है, ऑल्दो इन्फिनिक्स को तो टच नहीं कर रहा है क्योंकि ये भी 8 मेगापिक्सल है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू रियलमी C65 जो कि प्राइस में सेम है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लाइट को भी अच्छे तरीके से बैलेंस कर रहा है, रिक्वायर्ड ब्राइटनेस भी इसके अंदर डाल रहा है, ये इसको कैप्चर कर रहा है, सनलाइट जो बैक पे है उसको मैनेज नहीं कर पा रहा, बिल्कुल हमारे पास फ्लैट हो चुका है, और बैक पे जो कलर है उसको भी थोड़ा सा पुअरली मैनेज कर रहा है, बहुत ज़्यादा आउट क्लास नहीं है, स्टिल बेटर है इस प्राइस रेंज के अंदर। इन दोनों फ़ोन में से जो बेटर ऑप्शन है वो हमारे पास वीवो Y28 लेके आ रहा है। इसके अलावा फ्रंट कैम के अंदर हमें दोनों कैमराज के अंदर जो है वो जूम भी देखने को मिल जाता है, एंड जूम क्वालिटी की मैं बात कर लूँ लेट्स सपोज, तो देखते हैं कि हमारे पास जूम कितना करता है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर सेल्फी कैम में फिर लैग कर रहा है रियलमी C65, क्योंकि इसका जो फ्रंट कैम है उसके अंदर बिल्कुल जूम का ऑप्शन दिया ही नहीं गया है, जबकि जो वीवो है इसके अंदर हमें एटलीस्ट आई गेस के 5x का जूम देखने को मिलना चाहिए, लेकिन नहीं 5x नहीं है, इसके अंदर हमें 2x जूम देखने को मिल रहा है। 2x के ऊपर भी बेटर सेल्फी ले रहा है, पिक्सल भी नहीं ड्रॉप हो रहे हैं और इमेज को अच्छे तरीके से कैप्चर कर रहा है, जबकि होना चाहिए यार रियलमी C65 के अंदर भी हमारे पास जूम होना चाहिए था, लेकिन इस कैमरा के अंदर बिल्कुल भी जूम नहीं है। इन्फिनिक्स की बात करूँ मैं तो इन्फिनिक्स के अंदर हमें भी 2x जूम देखने को मिलता है, 2x के ऊपर इसकी जो इमेज क्वालिटी है वो भी अच्छी है, और जो कलर्स वगैरह हैं बैकग्राउंड भी सेम क्वालिटी का आ रहा है, और इसके अलावा जो फेस टोन है उसको भी अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा है। तो सेल्फी में भाई हमारे पास क्लियर विनर है इन्फिनिक्स GT20 प्रो, उसके बाद वीवो Y28, और सबसे एंड पे आ रहा है रियलमी C65। सो
कंक्लूडिंगली हम बात करते हैं कि अगर आपने इन दोनों फ़ोन में से कैमरा के लिए बेटर फ़ोन लेना है तो भाई अगर आप बैक कैमरा ज़्यादा यूज़ करते हो, आउटडोर फोटोग्राफी के लिए करते हो, इनडोर करते हो, तो आई रिकमेंड गो एंड बाय रियलमी C65। लेकिन अगर आपको अच्छी सेल्फी लेनी है और आपको एक बेटर परफॉर्मेंस चाहिए पर्सनल फोटोग्राफ लेने में, तो आई विल रिकमेंड कि आप वीवो Y28 बाय कर लो, क्योंकि इसकी सेल्फी बेटर है। वैसे ओवरऑल मैं कैमरा की बात करूं तो इन्फिनिक्स इज़ मच बेटर। यहां पर मैं आपको बताता चलता हूं कि इन्फिनिक्स जो है हमारे पास एमोलेड डिस्प्ले के साथ भी आता है, तो डिस्प्ले का भी इफेक्ट है यहां पर कि जो इमेजेस हैं वो काफ़ी अच्छे निकल के आ रहे हैं। एंड गाइस, इन तीनों फ़ोन के मैं जनरल स्पेक्स की बात करूँ तो भाई इन्फिनिक्स G20 Pro काफ़ी ब्लॉकबस्टर फ़ोन है। इन्फिनिक्स ने इस फ़ोन को गेमिंग स्पेसिफिक फ़ोन बनाया, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोसेसर यूज़ किया गया है ना, Dimensity 8200, 4 नैनोमीटर का प्रोसेसर है, काफ़ी हैवी प्रोसेसर है। मैंने इसके ऊपर गेमिंग की है, फ्री फायर, पबजी, फुल HD जो है ना वो गेमिंग होती है इसके ऊपर, मज़ेदार और जो है ना वो काफ़ी आउटस्टैंडिंग गेम एक्सपीरियंस है। बैक पे इसके अगर देखें तो ये ग्लास का पैनल है और इसके अंदर भी हमें LED लाइटिंग देखने को मिलती है। इसके अलावा JBL साउंड सपोर्टेड है, हैवी कैमराज हैं और मज़े की बात AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है 1 बिलियन कलर के साथ। चार्जिंग की बात करूं तो इन्फिनिक्स GT20 Pro के अंदर हमें 5000 mAh की बैटरी मिलती है और 45W की चार्जिंग देखने को मिलती है, साथ में PD3 चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। ये काफ़ी डेकोरेटेड फ़ोन है, काफ़ी अच्छे तगड़े स्पेक्स के साथ है, और अगर आप इसको जो है वो गेमिंग के लिए यूज़ करना चाहें, फोटोग्राफी के लिए या जनरल यूज़ के लिए, तो काफ़ी अच्छी डिवाइस है। रेन के ऊपर भी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके अंदर हमें IP65 रेटिंग देखने को मिलती है। वाटर एंड स्प्लैश रेजिस्टेंट फ़ोन है ये, लुक में भी काफ़ी अच्छा है, फिनिशिंग में भी काफ़ी अच्छा है। पर्सनली लव दिस डिवाइस बाय इन्फिनिक्स। एंड गाइस, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हमारे पास Realme C65 की, तो यार ये वाला जो फ़ोन है ये एक मिड रेंजर फ़ोन है। इसके अंदर हमें जो प्रोसेसर देखने को मिलता है वेरी ओल्ड Helio G85 देखने को मिलता है, जिस तरह से Helio G85 को अन्य वाह लगा रहे हर मोबाइल के अंदर, इसी तरह इस फ़ोन के अंदर भी सेम प्रोसेसर यूज़ किया गया है। यहाँ पर मैं कहूँगा कि भाई इतना पुराना हो चुका है Helio G85, तो अब कंपनीज़ को किसी नए अच्छे थोड़े से स्टेबल फास्ट प्रोसेसर के जरिए माना चाहिए। इसके अलावा इसके अंदर हमें जो है वो 44W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है, जो कि अच्छा फीचर है। 5000 mAh बैटरी है और मज़े की बात ये है कि इस प्राइस रेंज में हमें ये 256 GB स्टोरेज के साथ देखने को मिलता है। 8 GB रैम है प्लस 8 GB की एक्सपेंडेबल मेमरी भी देखने को मिल जाती है। एक मिड रेंजर डिवाइस है, लुक में काफ़ी अच्छी है। इसको सैमसंग S22 सीरीज़ वाली जो है लुक दी गई है और कलर्स इसके अंदर हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। एक एवरेज डिवाइस है लेकिन अच्छी डिवाइस है। इससे पहले जो C67 था वो भी अच्छा फ़ोन था, ये वाला एडिशन जो है ये भी काफ़ी इम्प्रूवड है। और यहाँ पर मैं बात करूँ वीवो Y28 की, तो वीवो Y28 और Realme C65 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सेम डिस्प्ले यूज़ किया गया है, IPS डिस्प्ले है, 6.7 इंच का डिस्प्ले है। और इसके अलावा यहाँ पर थोड़ी सी फिनिशिंग इसकी बेटर है, यहाँ पर जो है हमें साइड पे क्रोम की फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। सेम IPS डिस्प्ले है और स्टोरेज की बात करूँ तो स्टोरेज थोड़ी सी कम है एज़ कम्पेयर टू 65। इसके अंदर हमें 8 GB और 128 GB स्टोरेज देखने को मिलता है, और साथ में जो प्रोसेसर यूज़ किया गया है इसके अंदर भी Helio G85 यूज़ किया गया है। सो परफॉर्मेंस में भी ये डिवाइसेस दोनों एक जैसी होने वाली हैं। हाँ, हमें बैटरी की बात करूँ तो यहाँ पर हमें 6000 mAh बैटरी देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है। इस फ़ोन को मैंने पर्सनली टेस्ट किया है, बहुत आउट क्लास बैटरी टाइमिंग है यार। जिसको हम कहते हैं ना कि रियल वाले 2 दिन बैटरी चलती है, वो इस फ़ोन की बैटरी डेफिनेटली जो है वो चलती है। अगर आप एक हैवी बैटरी वाला फ़ोन लेना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा इन तीनों डिवाइसेस में से अच्छी बैटरी टाइमिंग जो है वो वीवो Y28 आपको देगा। ओवरऑल यार ये दोनों फ़ोन ऑलमोस्ट सेम हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस है प्राइस में भी, बिल्कुल सेम आ रहे हैं दोनों 49,000 के प्राइस रेंज के अंदर। लेकिन अगर आप इसको न्यू में बाय करते हैं आपको थोड़ा डिस्काउंट भी मिलता है, आपको 46,000-47,000 की प्राइस में मिल जाता है, जबकि ये वाला फ़ोन थोड़ा सा मार्केट में शॉर्ट है, लेकिन ये भी आपको 96,000-97,000 की प्राइस रेंज में मिल जाता है। सो गाइज, आपको कौन सा फ़ोन अच्छा लगा है, कैमरा वाइज आपको कौन सा फ़ोन अच्छा लगा है, और आप क्या समझते हैं कि यार मार्केट किस फ़ोन की ज़्यादा होने वाली है। वैसे मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो जो हमारे पास Realme C65 है ये ज़्यादा मार्केट में सेल होगा बिकॉज ऑफ द स्टोरेज 256 GB, क्योंकि यार 5000 mAh बैटरी 6000 mAh बैटरी का इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता है, क्योंकि आजकल 5000 mAh भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देती है, बाकी ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन स्टोरेज हर बंदे की नीड होती है, तो इसमें स्टोरेज एक्स्ट्रा जो डाली गई है दिस कुड बी ए प्लस पॉइंट, और ये वाला फ़ोन जो है मार्केट में इसकी जो रीसेल है वो ज़्यादा अच्छी हो सकती है। तो गाइस ये था इनका रिव्यू, आपको वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट करके बताना है। अगर आप कुछ इन फोन्स का स्पेसिफिक रिव्यू देखना चाहते हैं, स्पेसिफिक टेस्ट देखना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके बताइएगा।
इसके अलावा वीडियो को इम्प्रूव करने के लिए आपकी क्या सजेशंस हैं, आप हमें कमेंट करके बताना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। हमारे पास काफ़ी सारे नए मॉडल आ चुके हैं, उनका भी हम कैमरा टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट और रिव्यू करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दिस इज मिस्टर फोन साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।